नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शन को जो यूज़ कर रहे थे हम। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने किया था कि एक आउटपुट को हमें ऑन ऑफ करवाना था एक की सिंगल पुश बटन से, कि मैंने एक एक्स इनपुट थी, एक्स इनपुट को ऑन किया और मेरी एक वाई वन जो आउटपुट है वो ऑन होगी। सेकेंड टाइम प्रेस किया, ऑफ हो गया, फिर प्रेस किया, फिर ऑन हो गया, फिर प्रेस किया, फिर ऑफ हो गया। ऐसे ही अल्टरनेटिवली ये जो आउटपुट है ऑन ऑफ होनी थी एक पुश बटन से। और इसका यूज़ किया था, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमने यूज़ किया था राइजिंग एज और फॉलिंग एज का, जिसमें हम क्या करते थे, इनपुट के ऊपर हम राइजिंग एज या फॉलिंग एज कंडीशन लगा देते थे, इंस्ट्रक्शन लगा देते थे, जिससे कि हमारी जो पीएलसी है सिर्फ एक सिंगल इनपुट पल्स को रीड करती थी एक स्कैन टाइम के लिए, बाकी सारी जो पल्सेज हैं उस इनपुट पे छोड़ देती थी। अब अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है ऐसी कि मेरे को एक जो सिंगल पल्स को मैंने कंट्रोल किया था, जो मैंने राइजिंग एज लगाया था, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि ऐसे डिजिटल पल्सेस निकलती हैं और राइजिंग एज पे पीएलसी इस पहले वाले को कर लेता है, फॉलिंग एज पे लास्ट वाले को सेंस करता है, बाकी जो सारी पल्सेस है उसको इग्नोर कर देता है। ये कंडीशन किसके लिए थी, इनपुट के लिए। ये सिर्फ एक्स पे एप्लीकेबल हमारी होती थी राइजिंग एज और फॉलिंग एज, मतलब इनपुट वाई वाई पे भी लगा सकते हैं राइजिंग एज और फॉलिंग एज, ऐसा नहीं कि एक्स पे लगेगा, बट वो कहाँ लगेगा, एनओ पे लगेगा। वाई के भी कहाँ पे लगेगा, एनओ पे लगेगा, इनपुट साइड लगेगा, हमेशा इस तरफ रहेगा। राइजिंग एज फॉलिंग एज किस तरफ रहेगा, हमेशा इस तरफ रहेगा। जैसे लैडर बनाते हैं ना, एक तरफ इनपुट और एक तरफ आउटपुट लगाते हैं, तो राइजिंग एज इनपुट पे आएगा, हमेशा इस तरफ आएगा, इस तरफ नहीं आप लगा सकते कोयल की तरफ। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कोयल से पल्स निकालनी है, यहाँ पे तो आपको राइजिंग एज फॉलिंग एज नहीं चाहिए, यहाँ से आपको कोयल से पल्स निकालनी है आपको राइजिंग एज या फॉलिंग एज की, मतलब आउटपुट के लिए आपको राइजिंग एज या फॉलिंग एज एक पल्स चाहिए। ये जो राइजिंग एज फॉलिंग एज किस पे था, इनपुट के लिए था, हमेशा एनओ पे लगेगा, इस तरफ लगेगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो आउटपुट वाई है मैं वाई से भी पल्स ले पाऊं एक, कि जैसे ही कोई एक आउटपुट ऑन हो वो सिर्फ मेरे को एक सिंगल टाइम पल्स दे, जैसे इनपुट देती थी, जैसे इनपुट राइजिंग एज के अंदर एक सिंगल टाइम पल्स देती थी राइजिंग एज लगा देने के बाद, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि जो मेरी आउटपुट है वो मेरी आउटपुट मेरे को एक सिर्फ सिंगल पल्स दे एक स्कैन के लिए। तो उसके लिए भी पीएलसी के अंदर इंस्ट्रक्शन है पीएलएस एंड पीएलएफ। कौन सी इंस्ट्रक्शन है, पीएलएस एंड पीएलएफ। राइजिंग एज में कौन सी थी, एलडीपी और एलडीएफ, जो इनपुट पे राइजिंग एज को कंट्रोल करती थी इनपुट साइड लैडर के। अब अगर आउटपुट साइड चाहिए कॉइल पे लगाना है डायरेक्ट, तो क्या चाहिएगा, पीएलएस एंड पीएलएफ। बिल्कुल सारी फंक्शनिंग वैसी ही है जैसे मैंने राइजिंग एज आपको बताया था कि स्टार्टिंग की राइजिंग एज अगर लगाया तो पहली पल्स को रीड कर लेगा, बाकी सारी पल्सेस को इग्नोर कर देगा। जैसे मैंने आपको पिछले डायग्राम के अंदर बताया था कि ऐसे पल्सेस निकलती हैं पीएलसी से जब भी कोई हम इनपुट देते हैं, तो ऐसे ही जब आउटपुट ऑन होता है डिजिटल वो भी पल्सेस निकालता है। तो राइजिंग एज अगर मैं पीएलएस अगर किसी आउटपुट वाई पे लगा दूंगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ अगर राइजिंग लगाया है पीएलएस लगाया है तो सिर्फ इस एज को रीड करेगा, बाकी सारी पल्स को इग्नोर कर देगा। और फॉलिंग के अंदर क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसको रीड करेगा, बाकी सारी पल्स को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो यह है पीएलएस एंड पीएलएफ। ये किस पे रहता है, आउटपुट पे अप्लीकेबल रहता है। पीएलएस इज द राइजिंग एज आउटपुट, पीएलएस क्या है, एक राइजिंग एज आउटपुट है, ठीक है जी। PLS is the rising as output by using PLS instruction PLC execute single pulse of the output when digital output goes from off to on। जैसे rising as के अंदर था off to on, जो मैंने आपको practical भी करके दिखाया था, इसके अंदर क्या होता है, हम output पे लगा देते हैं इसको और output क्या करता है, सिर्फ एक scan time के लिए एक pulse को generate करता है rising as में, जब आपकी output पहली बार ऑन होगी, ठीक है। PLF के अंदर क्या होता है, PLF के अंदर इसका उल्टा होता है, PLF is the falling as output। PLS क्या है, rising as output, PLF is the falling as output by using PLF instruction। PLF instruction को use करके PLC एक जो pulse है एक scan time के लिए निकालती है, but कब, जब आपकी output off से on हो जाती है। दोनों के अंदर difference यह है कि PLS के अंदर जब आपकी output off से on होगी और PLF के अंदर जब आपकी output off से on होगी, सॉरी ऑन से ऑफ होगी। यहाँ पे जब पहली बार ऑन होगी तो वैसे ही आपको पल्स मिल जाएगी, यहाँ पे जब आपकी ऑन होके ऑफ होगी तब आपको पल्स मिलेगी। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा दूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पीएलएस एंड पीएलएफ क्या है, बेसिकली राइजिंग एज आउटपुट और फॉलिंग एज आउटपुट है। जब हमें आउटपुट से एक सिंगल पल्स ही होती है तो हम पीएलएस एंड पीएलएफ का इस्तेमाल करते हैं। ये सेम एज राइजिंग एज फॉलिंग एज है, जैसे राइजिंग एज और फॉलिंग एज काम करता है वैसे ही सेम तरीके से काम करता है, बट राइजिंग
PLS जो कंट्रोल करता है वो इनपुट साइड कंट्रोल करता है, और जो PLS एंड PLF है वो हमारा आउटपुट साइड को कंट्रोल करता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे भी हमें आउटपुट की एक पल्स की ज़रूरत है, सिर्फ आउटपुट की एक पल्स चाहिए एक स्कैन टाइम के लिए, तो मैं PLS एंड PLF का इस्तेमाल करूँगा। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल के अंदर कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पे मैंने WPL सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और इसमें फाइल में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया, इस लैडर डायग्राम मोड को मैं बड़ा कर लेता हूँ और सिम्युलेटर को मैं ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जब पिछली बार राइजिंग एज लगाया था तो यहाँ पे जो इनपुट था यहाँ पे मैंने कंट्रोल किया था, यहाँ पे लगाया था हमने LDP स्पेस X1 राइजिंग एज को कंट्रोल करने के लिए, हमने पल्सिस को यहाँ से कंट्रोल किया था, आउटपुट साइड कंट्रोल नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो सिंपल इनपुट लगाऊंगा मैं, एक NO लगाऊंगा X1 का यहाँ पे, और आउटपुट में टाइप करूंगा मैं, आउटपुट में लिखूंगा मैं PLS, आउटपुट में क्या लिखूंगा PLS स्पेस Y1 PLS स्पेस Y1 और एंटर कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा यहां पे देखिए आउटपुट के सामने Y1 के सामने लिखा जाएगा PLS Y1, मतलब PLS क्या है, राइजिंग एज आउटपुट। तो अभी ये जो आउटपुट है Y1 इस पे हमने PLS इंस्ट्रक्शन लगा दी है, ये आउटपुट ऑन होगी तो सिर्फ एक पल्स निकलेगी यहाँ से, पूरी आउटपुट ऑन नहीं होगी। ठीक है, कैसे वो डिफरेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए LD स्पेस Y1 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इससे एक आगे मेमोरी भी ऑन करवा लेता हूँ आपको चेक करवाने के लिए कि यहाँ से क्या निकल रहा है, OUT स्पेस M1 ऑन करवा देता हूँ, और साथ में ये जो Y1 है LD स्पेस Y1 इससे मैं एक काउंटर को भी इंक्रीमेंट करवा देता हूँ INC स्पेस C1 कि इस काउंटर के अंदर आपको पल्स की वैल्यू दिख जाएंगी। इंक्रीमेंट एक इंस्ट्रक्शन होती है जिससे हम काउंटर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, डिक्रीमेंट से घटा सकते हैं। तो INC स्पेस C1 आप कहीं पे भी लिख दोगे तो आप जहां से जो आपकी इनपुट आ रही है उससे आपकी जो काउंटर की वैल्यू है वो बढ़ने लग जाएंगी। ऐसे ही मैं एक दूसरी इनपुट लेता हूं LD स्पेस X2 और इस पे लगाता हूं मैं PLF, इस पे क्या लगाता हूं मैं PLF स्पेस Y2, एक दूसरी आउटपुट पे मैं PLF लगाता हूं, ठीक है, और इससे भी मैं क्या कर देता हूँ एक काउंटर को इंक्रीमेंट करवा देता हूँ आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कि दोनों इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है। तो मैं एक NO लूँगा LD स्पेस Y2, Y2 का NO, और यहाँ पे भी INC स्पेस C2 कर देता हूँ, मैं एक दूसरा काउंटर को इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके रन करता हूँ, कंपाइल किया और उसके बाद मैं इसको राइट टू PLC करता हूँ, राइट टू PLC करने के बाद मैं PLC को रन मोड के अंदर डालता हूँ और इसको मॉनिटर मोड के अंदर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब ये प्रोग्राम मेरा PLC के अंदर राइट हो चुका है। अब अगर मैं इस X1 को ऑन करूँगा तो यहाँ पे मैंने देखिए X1 को ऑन किया तो मेरा यहाँ पे कंटिन्यू इनपुट आ रहा है, ये PLS Y1 यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे कंटिन्यू इनपुट आ रही है बट ये Y1 का NO NC नहीं बना हुआ और ना ही M1 ऑन हो रखा है। अगर यहाँ पे नॉर्मल आउटपुट रहती तो ये Y1 का NO क्या बन जाता, NC बन जाता और ये M1 ऑन हो जाता। अभी ये ऑन तो हुआ था आपका M1 बट ये सिर्फ एक पल्स के लिए हुआ था, ये किसके लिए हुआ था, सिर्फ एक पल्स के लिए हुआ था, और आपको पता है PLC का स्कैन टाइम विद इन मिलीसेकंड होता है तो हम उसको देख नहीं पाए कि ये ऑन हुआ है नहीं हुआ है। आपको वो चीज कंफर्म हो सकती है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे Y1 का NO लगाया तो C1 की वैल्यू 1 होगी जो कि पहले 0 थी। अभी मैं दोबारा इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ तो M1 ऑन होगा बट हमें नहीं दिखेगा क्योंकि विद इन मिलीसेकंड ऑन होता है, सिर्फ एक स्कैन टाइम के लिए एक पल्स को कंसीडर करती है ये इंस्ट्रक्शन, तो वो विद इन मिलीसेकंड ऑन होके ऑफ हो जाता है, हम उसको आंखों से नहीं देख पाते। बट आप काउंटर को देखना कि जैसे ये Y1 ऑन होगा तो काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। कैसे, जैसे ही ऑन होगा यहां पे मैंने इसको ऑन किया देखिए वैल्यू 2 होगी। तो इस तरीके से पहले जो काम मैंने यहां पे राइजिंग एज फॉलिंग एज पे किया था यहां पे मैंने लगाया था LDP और LDF, जैसे यहां पे PLF लगाया यहां पे LDF लगाया था, उसके बाद यहां पे पल्स का कंट्रोल किया था। अगर मैं चाहता हूं कि आउटपुट की पल्स का कंट्रोल करूं तो मेरे पास क्या है PLS एंड PLF इंस्ट्रक्शन है। अब आप दूसरी इंस्ट्रक्शन को देखिए, दूसरी अब अगर आपको इसको M1 को ऑन करवाना है ना, इससे M1 को ऑन करवाना है तो आप यहाँ पे इसको होल्डिंग दे दीजिए। होल्डिंग देने से क्या होगा, जो एक सिंगल पल्स आएगी OR स्पेस M1 वो इसको ऑन करा के और होल्ड कर जाएगी, अब आपका जो M1 है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं PLS के अंदर जो आउटपुट है उसकी पल्सिस का कंट्रोल कर लेते हैं और हम अपनी आउटपुट पे पल्स को कंट्रोल करते हैं। ये मैंने ऑन किया देखिए ये ऑन हो गया M1। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से एक सिंगल पल्स आई, ये
कोयल एनर्जाइज हुई, कोयल एनर्जाइज हुई तो एनओ क्या बना, एनसी बना, और यहां से इसको होल्डिंग मिल गई, ये ऑन रह गया और यहां पे वैल्यू वन हो गई। ये वन इस वजह से होगी क्योंकि हमने पीएलसी को स्टॉप कर दिया था, तो काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो गई दोबारा से प्रोग्राम राइट करते ही। अब देखिए यहां पे मैं जैसे ही इसको ऑन कर रहा हूं ना, वैसे ही ये M1 ऑन हुआ है और इसकी वैल्यू बढ़ रही है PLS के अंदर, राइजिंग एज ले रहा है ऑन होते ही। और PLF के अंदर क्या होगा, देखिए मैंने यहां पे इसको ऑन कर दिया और इसकी वैल्यू जीरो की जीरो है, यहां पे वैल्यू जीरो की जीरो है। ये तब काम करेगा जब आपकी आउटपुट ऑफ से क्या होगी, ऑन से ऑफ हो जाएगी। अब ये आउटपुट ऑन है, अब जब मैं इसको ऑफ करूंगा ये तब काम करेगा। अब मैंने इसको कर दिया ऑफ और ये देखिए यहां पे वन काम कर दिया। ये आपका कब काम करेगा, जैसे ही आप, ये आपकी आउटपुट ऑफ है, अभी ऑफ से क्या होगी, ऑन होगी। देखिए जैसे ये ऑन होगी यहां पे वैल्यू थ्री हो जाएगी, आप इसको देखते रहना। ये मैंने इसको ऑन किया और यहां पे वैल्यू कितनी होगी, थ्री होगी। और यहां पे देखिए मैं इसको ऑन किया, ये वैल्यू वन की वन है। ये कब काम करेगा, जब ये वैल्यू आपकी ऑन से ऑफ हो जाएगी। अभी मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये वैल्यू दो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पीएलएफ क्या करता है, जो लास्ट की पल्स है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको पकड़ता है, और जो पीएलएस क्या करता है, जो राइजिंग पल्स है जैसे ही ऑन होता है उसको पकड़ता है, उस पर काम करता है। तो ये था पीएलएस एंड पीएलएफ, सेम एप्लीकेशन है राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज की तरह। आपको अगर कहीं आउटपुट पे पल्सिस को कंट्रोल करना है तो आप पीएलएस एंड पीएलएफ इंस्ट्रक्शन लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको सिंगल पुश बटन वाला प्रोग्राम बताया था कि देखिए यहां पे दिक्कत आ रही है, यहां पे राइजिंग एज फॉलिंग एज की जरूरत पड़ती है हमें, इस तरीके के एप्लीकेशन लगाने पे वहां पे आप पीएलएस एंड पीएलएफ वाई भी लगा के बना सकते हो। तो आप अपना प्रोग्राम बनाइए पीएलएस एंड पीएलएफ से सिंगल पुश बटन को ऑन ऑफ करके। अगर आपसे नहीं बनेगा तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। तो क्या ये मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए जब भी आप कोई आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको एक प्रोग्राम पे सारी चीजों को टेस्ट करना है, जितनी चीजें आपके पास हैं, ये करने से क्या इफेक्ट आता है, ये करने से क्या इफेक्ट आता है, तभी आपको उनका डिफरेंस पता चलेगा और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो अभी आपको उस प्रोग्राम को दोबारा से बनाना है राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज को, अब क्या यूज करके बनाना है, बाय यूजिंग पीएलएस एंड पीएलएफ इंस्ट्रक्शन। तो आप इसको यूज करके एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें एक पुश बटन को प्रेस किया आउटपुट ऑन, पुश बटन को सेकंड टाइम प्रेस किया आउटपुट ऑफ। तो यह है आपका नेक्स्ट टास्क। अब अगली इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं पीएलसी के अंदर। पीएलसी के अंदर देखिए हमें आगे मिलता है अर्थमैटिक ऑपरेशन। क्या मिलते हैं हमें, अर्थमैटिक ऑपरेशन। अब अर्थमैटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, अर्थमैटिक ऑपरेशन होते हैं पीएलसी के अंदर, अर्थमैटिक ऑपरेशन आपको मिलते हैं। अर्थमैटिक ऑपरेशन होते हैं कि आप बेसिक जो मैथ की इंस्ट्रक्शन होती है, बेसिक जो मैथ के फंक्शन होते हैं, बेसिक मैथ के फंक्शन होते हैं, उनको आप पीएलसी के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। बेसिक मैथ के फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे आपको एडिशन करना है किसी वैल्यू का, सब्ट्रैक्शन करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो ये सारी चीजें आप पीएलसी के अंदर कर सकते हो। आप दो नंबर को ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो ये फंक्शन भी, ये इंस्ट्रक्शन भी आपको पीएलसी के अंदर मिलती है अर्थमैटिक ऑपरेशन के नाम से। अब अर्थमैटिक जो ऑपरेशन है, एडिशन का इस्तेमाल करते हैं पीएलसी के अंदर दो नंबर को जोड़ने में, नॉर्मल है जो हम अपना मैथ के अंदर यूज करते हैं ना, सेम वही चीज है। एडिशन का इस्तेमाल किया जाता है ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए, और डिवीजन का इस्तेमाल किया जाता है डिवाइड करने के लिए। तो जो सिंपल मैथ के फंक्शन रहते हैं वो सारे के सारे फंक्शन आपको पीएलसी के अंदर मिल जाते हैं। अब ये परफॉर्म कैसे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अर्थमैटिक जो ऑपरेशन है, आपको पता होगा कि आप अर्थमैटिक ऑपरेशन किस पे परफॉर्म कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू भी परफॉर्म कर सकते हो। आपको अर्थमैटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने दो करेक्टर दे दिया ए प्लस बी और इसको जोड़ रहे हो कि पीएलसी के अंदर रिजल्ट मिले, इसमें तो कुछ रिजल्ट ही मिलेगा। आपको रिजल्ट मिलेगा न्यूमेरिक वैल्यू पे कि आप 5 प्लस 2 करो आपको रिजल्ट मिलेगा, 3 प्लस 2 करो आपको रिजल्ट मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई 2 करो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू पे अर्थमैटिक ऑपरेशन जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिक वैल्यू आपको पीएलसी में कहां कहां मिलती है, देखिए आपको काउंटर के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है। अभी मैंने दिखाया था ना C1 काउंटर की वैल्यू बढ़ रही थी, K1, C1, K1, 2, 3, 4, तो वो क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो आप काउंटर के ऊपर अर्थमैटिक ऑपरेशन लगा सकते हो,
टाइमर के अंदर आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, आप टाइमर को अपना टाइम सेट करते हैं ना टाइमर का कि K100, K20, K30, तो वो भी क्या होती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, वहां पे आप अपना अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हो। कोई कांस्टेंट के वैल्यू है आपको पीएलसी के अंदर कांस्टेंट आपको लेना है कहीं पे, तो कुछ भी आपको न्यूमेरिक वैल्यू कांस्टेंट लेनी है आप उसके ऊपर भी मिल जाता है कांस्टेंट के। इसको आगे और डिस्क्राइब करूंगा मैं, अभी सिर्फ इतना समझो कि पीएलसी के अंदर एक कांस्टेंट के भी होता है कि कहीं पे भी आपको कोई कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू है उसको आप ले सकते हो और उसके ऊपर भी आप क्या लगा सकते हो, अपने अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हो। दूसरा डेटा रजिस्टर, इसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ये भी याद रखना है कि डेटा रजिस्टर के अंदर भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है और उस पे भी आप अपना अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हो। तो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन हर एक उस जगह पे लग सकते हैं जहां पे आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। और बेसिकली काउंटर, टाइमर, कांस्टेंट और डेटा रजिस्टर, ये वो डिवाइसेस होते हैं जिनमें आपको पीएलसी के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, तो मतलब आप इन सभी डिवाइसेस के ऊपर अपने अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हो। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे लगा सकते हो, मान लीजिए आपके पास कोई काउंटर है, टाइमर है, कोई कांस्टेंट है या कोई डेटा रजिस्टर है, आप चाहते हो कि एक काउंटर की वैल्यू को मैं एक टाइमर की वैल्यू के अंदर ऐड कर दूं, तो आप ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो कि एक टाइमर की वैल्यू के अंदर कुछ और वैल्यू मेरे को जोड़नी है, कोई कांस्टेंट 10, 15, 5, 20 मेरे पास कोई अपनी रैंडम वैल्यू हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं, वो मेरे को जोड़ना है, तो आप जोड़ सकते हो। डेटा रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, सबट्रैक्ट करनी है, वो आप कर सकते हो। कोई कांस्टेंट की वैल्यू आपको काउंटर से मल्टीप्लाई करनी है तो आप कर सकते हो। डिवाइड करना है, आप डेटा रजिस्टर को किसी टाइमर की वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ही किसी काउंटर की वैल्यू को किसी डेटा रजिस्टर की वैल्यू से माइनस कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये जो डिवाइसेस है इसमें कहीं पे भी किसी पे भी आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ काउंटर की वैल्यू को काउंटर के अंदर कुछ ऐड करोगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, नहीं। आप काउंटर की वैल्यू को टाइमर के साथ, टाइमर की वैल्यू को कांस्टेंट के साथ, किसी डेटा रजिस्टर के साथ, डेटा रजिस्टर की वैल्यू को काउंटर के साथ, टाइमर की वैल्यू को किसी कांस्टेंट के साथ, काउंटर के साथ, कहीं पे भी किसी भी डिवाइस के बीच में ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है आपका लग सकता है, चाहे वो काउंटर, टाइमर, कांस्टेंट, डेटा रजिस्टर, कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि टाइमर की वैल्यू सिर्फ टाइमर से मल्टीप्लाई होगी, टाइमर की वैल्यू को सिर्फ टाइमर के अंदर ऐड करूंगा, टाइमर की वैल्यू को सिर्फ टाइमर से डिवाइड करूंगा, नहीं। आप टाइमर की वैल्यू को काउंटर से कर सकते हो, काउंटर की वैल्यू को टाइमर से कर सकते हो, टाइमर की वैल्यू को कांस्टेंट से कर सकते हो, कांस्टेंट की वैल्यू को डेटा रजिस्टर से कर सकते हो, डेटा रजिस्टर की वैल्यू को कांस्टेंट से कर सकते हो, कहीं भी किसी के भी साथ कर सकते हो जहां पे बस न्यूमेरिक वैल्यू है, वैल्यू एक नंबर के अंदर होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन काम कैसे करते हैं पीएलसी के अंदर, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है, देखिए मैं आपको एडिशन का एग्जांपल लेता हूं। पहले अगर मेरे को दो नंबर को ऐड करना है, मान लीजिए मेरे पास एक 5 है और एक 2 है, मेरे को इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 + 2 इन दोनों को ऐड करके मेरे को क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा। भाई मेरे पास कुछ भी अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, चाहे वो एडिशन करूंगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन करूंगा, चाहे सब्ट्रैक्शन करूंगा, चाहे डिवीजन करूंगा, तो पहले तो क्या होनी चाहिए, दो वैल्यू होनी चाहिए जिन पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिया, 5 लिया और 2 लिया, उसके बाद मेरे को क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब रिजल्ट आ गया मेरे पास और दो वैल्यू आ गई। अब पीएलसी, देखिए मैंने आपको बताया एक माइक्रो प्रोसेसर, एक इंडस्ट्रियल पीसी, कंप्यूटर होता है, इसको हमें हर एक चीज को एक मेमोरी असाइन करनी पड़ती है, तभी सारे के सारे ऑपरेशन होते हैं। अब ये जो 5 है, ये जो मेरे को ऐड करना है, इसको भी तो मेरे को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, इस 2 को भी स्टोर करना पड़ेगा, फिर ये जो 7 रिजल्ट आएगा, इस 7 रिजल्ट को भी स्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो सारे भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे अर्थमेटिक, इन न्यूमेरिक वैल्यूज पे जिन पे हम परफॉर्म करेंगे और जो रिजल्ट आएंगे, उनको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना पड़ेगा, स्टोरेज के लिए मेमोरी चाहिएगी। तो वो जो मेमोरी है, अब उसका हमें ध्यान रखना है कि वो कहां से मिलेगी। देखिए मान लीजिए मेरे को 5 है, तो 5 को मेरे को एक स्टोरेज मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, 2 को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, जो रिजल्ट है इसको स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे, इन ये न्यूमेरिक वैल्यू पर परफॉर्म होंगे और इन न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें पीएलसी के अंदर एक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। वो मेमोरी कैसे मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूं। अब सेम केस होगा सब्ट्रैक्शन के लिए, अगर मेरे को मान लीजिए दो नंबर को आपस में माइनस करना है, तो मेरे पास 8 है, इसको स्टोर करना पड़ेगा मेरे को पहले, फिर उसके बाद 5 है, इस 5 को स्टोर करना पड़ेगा मेरे को,
ठीक है, उसके बाद मेरे पास रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को मेरे को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उनमें जो नंबर होंगे उनको स्टोर करने के लिए मेरे को मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। अब पीएलसी के अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं जिनके पास तो बाय डिफॉल्ट मेमोरी अपनी होती है, जैसे काउंटर है, आप अभी काउंटर को सेट करते हो जैसे CNT C1 space K10 लगाते हो, तो ये जो 10 वैल्यू है इसके लिए बाय डिफॉल्ट अपने आप पीएलसी के अंदर मेमोरी है, काउंटर के लिए जो मेमोरी उसने असाइन कर रखी है, आपने जैसे ये इंस्ट्रक्शन लिखा CNT space C1 space K10 उसने क्या कर लिया, उसकी जो मेमोरी थी काउंटर की वहां पे यूज कर लिया उस मेमोरी को, और जो 10 वैल्यू आपने दी है उसको उसने स्टोर करवा दिया उस मेमोरी के अंदर इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा, अपने आप ये काम हो गया, आपको कुछ भी अपने पास से मेमोरी असाइन करने की जरूरत नहीं है। सेम केस टाइमर के लिए है, टाइमर की भी अपनी बाय डिफॉल्ट मेमोरी होती है, जैसे ही आप टाइमर को लगाते हो TMR space T1 space K100 आपने जैसे लिखा, तो ये जो 100 है K100 आपने टाइमर या काउंटर के लिए लिखा, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप जो टाइमर के लिए मेमोरी असाइन है उसके अंदर स्टोर हो जाता है, आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप ये इंस्ट्रक्शन टाइप करते हो ये बाय डिफॉल्ट टाइमर लगाया है तो टाइमर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है, काउंटर लगाया तो काउंटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो टाइमर और काउंटर की अपनी ऑलरेडी डिसाइडेड मेमोरी होती है, आपको इसके लिए अलग से मेमोरी डिसाइड करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही जो कॉन्स्टेंट मैंने आपको बताए थे कि के वगैरह, इनके लिए भी पीएलसी के अंदर मेमोरी ऑलरेडी सेक्शन डिसाइड रहता है, आपको सिर्फ लिखना होता है कि K10 K20 K30, वो अपने आप अपनी मेमोरी को ले लेते हैं, आपको कुछ भी जरूरत नहीं होती अलग से करने के लिए, अलग से मेमोरी देने की आपको जरूरत नहीं होती। अब मेमोरी की अलग से रिक्वायरमेंट पड़ती है रिजल्ट के लिए, किसकी जरूरत पड़ती है, रिजल्ट के लिए जरूरत पड़ती है, वो कैसे वो अभी आपको बताऊंगा। मान लीजिए जो 5 वैल्यू है, 5 और 2 को मैं जोड़ रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था अभी कि पीएलसी के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू वो कहां मिलती है, टाइमर में मिलती है, काउंटर में मिलती है, कॉन्स्टेंट में मिलती है। तो मान लीजिए 5 जो है एक काउंटर की वैल्यू है और ये जो 2 है एक टाइमर की वैल्यू है, तो ये 5 और 2 अगर एक काउंटर की एक टाइमर की है तो इसके लिए तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी मेमोरी अवेलेबल है ही है, आपको इसके लिए मेमोरी देने की जरूरत नहीं है, ये तो जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन लगाया वो वैसे ही ले लेगा। अब आपको मेमोरी देनी है किसके लिए, रिजल्ट के लिए, क्योंकि रिजल्ट तो कहीं पे भी नहीं है ना, रिजल्ट तो आपको मिलेगा, एक नई चीज मिलेगी उसको आपको स्टोर करना है, तो ये जो रिजल्ट है ये स्टोर होगा डेटा रजिस्टर के अंदर। ठीक है, हमें मेमोरी किसकी जरूरत पड़ेगी, नीड मेमोरी फॉर द डेटा रिजल्ट रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशन दैट स्टोर इन डेटा रजिस्टर। तो यहां पे एक डेटा रजिस्टर का कंसेप्ट निकल के आता है अब कि डेटा रजिस्टर क्या होता है। डेटा रजिस्टर बेसिकली एक मेमोरी की लोकेशन होती है, एक मेमोरी होती है जिसको यूजर पीएलसी के अंदर यूज कर सकता है। डेटा रजिस्टर उसको D0 D1 D2 D3 ऐसे मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा डेटा रजिस्टर क्या होता है। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए कि कैसे डेटा रजिस्टर की मेमोरी की रिक्वायरमेंट आती है, तो मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको पहले समझाया। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डेटा रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन को क्लियर करते हैं, उसके बाद डेटा रजिस्टर पे आगे बढ़ेंगे, डेटा रजिस्टर को देखेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन मैं पीएलसी के अंदर परफॉर्म करता हूं तो आपको जो मैं भी चीज बता रहा था वो और चीज क्लियर होगी। तो WPL सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और ये जो PLS एंड PLF वाला प्रोग्राम था इसको डिलीट करते हैं। आपको एक एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके अंदर आएगी। तो सबसे पहले देखिए जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो लगेंगे आपके आउटपुट साइड में, किस तरफ लगेंगे, आउटपुट साइड लगेंगे, ये होती है आपकी आउटपुट साइड इस तरफ और ये है आपकी इनपुट साइड। ठीक है, इनपुट साइड में मैं कोई भी एक इनपुट लेता हूं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, मैंने LD space X1 करके एक इनपुट ले लिया, जैसे ही इस X1 को ऑन करूंगा तो दो नंबर को मैं ऐड करता हूं। तो दो नंबर ऐड करने के लिए मैं पहले क्या करता हूं, कुछ वैल्यू लेके आता हूं, मैं दो टाइमर की वैल्यू को चलो ऐड करके दिखाता हूं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, दो टाइमर चला लेता हूं, TMR space T1 space K20 मैंने दो टाइमर लिए और एक और टाइमर यहां पे मैं चला लेता हूं, यहां पे नीचे एक लाइन लगा देता हूं मैं, ये मैंने यहां पे कर दिया कनेक्ट, और यहां पे एक और टाइमर लगाता हूं TMR space T2 space K50, इसकी वैल्यू 50 ले ली और इस टाइमर की वैल्यू को T1 की वैल्यू को T2 की वैल्यू के अंदर ऐड करूंगा, या T1 T2 दोनों की वैल्यू को मैं जोड़ूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करके दिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाऊंगा, सारे ऑपरेशन करके दिखाऊंगा आपको। आप ये ऑपरेशन किसी पे भी कर सकते हो, अब ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने दोनों टाइमर ले लिए तो टाइमर टाइमर ही होगा, नहीं, यहां पे आप काउंटर भी लगा सकते हो, वो मैं आपको दूसरे ऑपरेशन में करके दिखा दूंगा। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया कि टाइमर के लिए ऑलरेडी डिसाइडेड मेमोरी है पहले ही, मैंने जैसे ही TMR लगाया तो ये जो K20 है, ये टाइमर जो T1 है इसकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका जाके।
TMR T2 लगाया, यहां पे K50 लिखा हुआ है, ये जो K50 वैल्यू है, ये जो T2 टाइमर है, इसकी बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी है उसके अंदर स्टोर हो चुका है। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, तो ये जो K20 और K50 है ये तो स्टोर हो चुके हैं, इनको तो मेमोरी ऑलरेडी मिल चुकी है, इनको मेमोरी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट टाइमर काउंटर और कांस्टेंट की वैल्यू आपको मैंने बता चुका हूं कि बाय डिफॉल्ट रहती है। अब मेरे को एक दूसरा इनपुट लेता हूं LD स्पेस X2 और इन दोनों को ऐड करता हूं, तो ऐड करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन टाइप करनी है A DD, ठीक है, स्पेस इंस्ट्रक्शन क्या टाइप करनी है A DD स्पेस T1 और T2 T1 स्पेस T2, आप T1 और T2 को ऐड करना चाहते हो तो T1 T2 लोगे और उसके बाद स्पेस। अब देखिए T1 के अंदर K20 जो मेमोरी है, ये K20 जो है ये टाइमर की मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर है, T2 के साथ वैल्यू है 50, ये टाइमर की, इस टाइमर की T2 की मेमोरी के अंदर ऑलरेडी स्टोर है। अब ये K50 और K20 और K50 जब ऐड होगा तो मेरे पास आएगा 70, उस 70 को स्टोर करने के लिए मेरे को मेमोरी देनी है, तो वो 70 को स्टोर करने के लिए मैं मेमोरी क्या दूंगा, एक डेटा रजिस्टर दूंगा। डेटा रजिस्टर क्या होता है, PLC के अंदर मेमोरी रहती है जिसको यूजर यूज कर सकता है, जैसा आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर आप खोलोगे तो फाइल मैनेजर में जाओगे, फाइल मैनेजर के अंदर हम जाते हैं एंड्रॉइड अंदर, तो आप देखोगे अगर आपका 32 GB का स्टोरेज है तो 32 GB में से 10 या 12 GB तो आपका एंड्रॉइड का जो सिस्टम है उसका वो करके रखता है, आपका भर के रखता है, आप उस 10-12 GB को डिलीट करोगे वो डिलीट नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट रहता है एंड्रॉइड के सिस्टम की फाइल के लिए, बट बाकी का जो आपका बच जाता है 10 GB या 20 GB बच जाता है 32 GB में थे, उसको आप यूज कर सकते हो, वो किसके लिए, यूजर के लिए है। तो ऐसे ही यूजर के लिए आप उसमें कुछ भी रखो, गाने रखो, मूवी रखो, सॉन्ग रखो, PDF फाइल रखो, नोट्स रखो, कुछ भी रखो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको उसके अंदर क्या स्टोर कराना है। ऐसे ही PLC के अंदर क्या है, डेटा रजिस्टर मेमोरी जो है वो यूजर के लिए है, आप उसमें कुछ भी स्टोर करो वो आपकी मर्जी है, और जो बाय डिफॉल्ट मेमोरी उसने दे रखी है जैसे सिस्टम के लिए, जैसे टाइमर की मेमोरी जुड़ी हुई है टाइमर के साथ, काउंटर की मेमोरी जुड़ी है काउंटर के साथ, कांस्टेंट की मेमोरी जुड़ी है कांस्टेंट के साथ, आप उसको नहीं छेड़ सकते, जैसे अपने मोबाइल में आप एंड्रॉइड की फाइल्स जो स्टोर है उनको नहीं छेड़ सकते जो सिस्टम की फाइल है, वैसे ही ये जो टाइमर काउंटर है इनके साथ जो मेमोरी असाइन है इसको नहीं छेड़ सकता, ठीक है। अब इसको स्टोर करना है, इसके रिजल्ट को, तो इसको मैं किस में स्टोर करूंगा, डेटा रजिस्टर में, क्यों, क्योंकि डेटा रजिस्टर किसके लिए है, यूजर के लिए है, तो यहां पे स्पेस D0, डेटा रजिस्टर D0, D1, D2, D3, D5 ऐसे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर होगा। अभी सिर्फ ये समझना है कि एडिशन कैसे होता है, ये एडिशन की इंस्ट्रक्शन लग चुकी है, अब इस पे मैं कर दूंगा एंटर, एंटर जैसे ही करूंगा तो यहां पे देखिए लिखा आ जाएगा एड T1, T2, D0। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि T1 और T2 की वैल्यू, जितनी भी वैल्यू होगी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी और रिजल्ट आपको कहां मिलेगा, D0 के अंदर मिलेगा। अब इसको एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूं, इसको कंपाइल किया और राइट टू पीएलसी किया और एग्जीक्यूट कर दिया और इसको मैंने ऑनलाइन मोड के अंदर ले लिया, और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। अभी देखिए K0 T1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, ये करंट वैल्यू दिखती है, ये सेट वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है वो ऐड होंगी, सेट वैल्यू ऐड नहीं होंगी, जितनी वैल्यू करंट होगी उतनी ऐड होगी आपको रिजल्ट मिलेगा। T1 की वैल्यू कितनी है, 0, T2 की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहां पे भी आ रहा है 0, बट ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई, जब मैं इस X2 को ऑन कर दूंगा तो यहां पे एग्जीक्यूट हुआ, अब आपको रिजल्ट मिला है। अब अगर यहां पे मैं इसको ऑन करूंगा, जैसे जैसे इन दोनों की वैल्यू बढ़ेगी यहां पे इनका एडिशन की वैल्यू भी आती चली जाएगी, आप देखना, मैंने इसको ऑन किया तो यहां पे देखिए वैल्यू ऐड होके आ रही है, यहां पे ये दोनों की वैल्यू ऐड होके आ रही है, अभी ये रुक गया, ये वैल्यू बढ़ रही है तो वैल्यू बढ़ रही है, यहां पे K20 हुआ, यहां पे K50 हुआ, ये 20 और K50, यहां पे कितना हो गया, 70 हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो 70 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया ये तो मैंने टाइमर को जोड़ा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ टाइमर को ही जोड़ सकता हूं, मैं एक दूसरी इंस्ट्रक्शन लगा के आपको दिखाता हूं जिसके अंदर मैं काउंटर लेता हूं LD स्पेस X3 और एक मैं काउंटर लगाता हूं OUT स्पेस C1 स्पेस K9 ले लिया मैंने, चलो ठीक है। अब मैं एक आउट नहीं, इसके अंदर CNT होता है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन में कंफ्यूज हो जाता हूँ, डेल्टा के अंदर लगता है CNT, डेल्टा के अंदर क्या लगता है CNT लगता है, OUT मित्सुबिशी में होता है, इस वजह से हो गया, तो CNT स्पेस C1 K9 मैंने लगाया यहाँ पे, ये मेरा काउंटर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब माइनस करके दिखाता हूँ मैं आपको, अब मैं एक LD स्पेस X4 लेता हूँ और मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन करने के लिए, माइनस करने के लिए आपको टाइप करना है SUB, आपको क्या टाइप करना है SUB और आपको यहां पे देना है स्पेस। अब ये जो T2 टाइमर है, T
टू, इस टी टू टाइमर की वैल्यू में से स्पेस जो सी वन काउंटर है उसकी वैल्यू को मैं माइनस कर दूंगा, जितनी वैल्यू होगी सी वन की प्रेजेंट वो टी टू में से माइनस हो जाएगी स्पेस। अब माइनस होगी जो वैल्यू टी टू की, सी वन की वैल्यू जो टी टू में से माइनस होगी, उसका कुछ रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, डेटा रजिस्टर में स्टोर होगा, तो यहाँ पर क्या दूंगा, डी वन दूंगा। अब यहाँ पर सी वन के साथ भी काउंटर के साथ भी बाय डिफॉल्ट एक मेमोरी होती है, तो जो काउंटर की वैल्यू है वो किसके अंदर चली जाएगी, काउंटर की बाय डिफॉल्ट मेमोरी है उसमें चली जाएगी, टाइमर की वैल्यू टाइमर की बाय डिफॉल्ट मेमोरी में चली जाएगी। हमें सिर्फ रिजल्ट के लिए मेमोरी देनी है, और रिजल्ट के लिए हम कौन सी देंगे, डेटा रजिस्टर देंगे। डेटा रजिस्टर किसके लिए रहता है, यूजर के लिए मेमोरी रहती है। तो यहां पे मैंने इसको लगा दिया। अब देखना, अब ये जो है मैं इसको कंपाइल करता हूं और राइट टू पीएलसी करता हूं, ठीक है जी, इसको ओके करता हूं। सॉरी गलत हो गया कुछ, वो इंस्ट्रक्शन डिलीट होगी, दोबारा से लगाता हूं मैं एक बार इसको। यहां पे एस यू बी स्पेस टी टू स्पेस सी वन स्पेस डी टू, यहाँ पे मैंने एंटर किया, ये मेरी इंस्ट्रक्शन आ गया, इसको मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद ये हो गया। अब इसको मैंने राइट टू पीएलसी किया, इसको मैंने यस किया, इसको मैंने यस किया, और यहाँ पे ऑनलाइन मोड के अंदर चला गया, ठीक है जी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो सब्ट्रैक्शन वाली इंस्ट्रक्शन है इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये एग्जीक्यूट तभी होगी इसके सामने जो आपने इनपुट लगा रखा है, जब वो हाई होगा। अगर ये इनपुट आपका हाई नहीं है तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। देखिए अब यहाँ पे ये तो वैल्यू आ रही है, बट यहाँ पे रिजल्ट जीरो है। रिजल्ट जीरो क्यों है, क्योंकि ये जो एक्स टू है ये बंद है, ये सभी के लिए होगा अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। जैसे ही इस एक्स टू को हाई कर दूंगा तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ेगी, इनपुट देने की जरूरत पड़ेगी। अभी देखिए मैंने क्या कर रखा है, T2 की वैल्यू में से C1 को माइनस कर रखा है, तो T2 की वैल्यू कितनी है अभी, 50 है। T2 की वैल्यू कितनी है, 50 है, और मैं इसकी C1 की वैल्यू को बढ़ाता हूँ। मैं C1 की वैल्यू को 1 कर देता हूँ और इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है, देखिए यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे भी 50 आ रहा है T2 की वैल्यू, ये T2 की वैल्यू है 50। C1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, C1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, बट रिजल्ट कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, जबकि कर क्या रखा है, सब्ट्रैक्शन कर रखा है, माइनस कर रखा है, मिलना कितना चाहिए, 48 मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं है। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट किया, देखिए 48 आ गया। तो मैंने अब एक टाइमर की वैल्यू में से काउंटर की वैल्यू को माइनस कर दिया। तो आप, मैंने जो आपको बताया था कि ऑपरेशन कहीं पे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैं आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसे ही रैंडम लेके दिखाता हूं। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूं आपको, दो रैंडम वैल्यू का ऐसे ही मेरे को कुछ रिजल्ट चाहिए। इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, अर्थमेटिक ऑपरेशन बहुत ज्यादा काम आते हैं। जब भी आप एनालॉग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, स्केलिंग वगैरह कर रहे हो, लोड सेल एलवीडीटी लगा रखे होता है, तो उनमें जो ट्रेवल का डिस्टेंस निकालते हैं, लोड सेल लगा रखा है तो केजी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यूनिट के अंदर कन्वर्जन करते हैं, एलवीडीटी लगा रखा है तो जो डिस्टेंस को एमएम में या सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है, यूनिट का कन्वर्जन करना है, तो वहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। वहाँ पे वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कंट्रोल करना होता है, तो वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी आपको सिर्फ समझना है कि ऐसे होता क्या है। अब मैं आपको ऐसे ही दो रैंडम वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। तो मैं एलडी स्पेस एक्स फाइव एक इनपुट लेता हूं, और मैं यहां पे टाइप करता हूं, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टाइप करना है एम यू एल, आपको क्या टाइप करना है, एम यू एल स्पेस। अब मैं के 10, रैंडम जो वैल्यू है के 10 से आएंगी, के लिखना पड़ेगा आपको। मान लीजिए मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 से पहले के लिखना पड़ेगा, तभी पीएलसी इसको कांस्टेंट की वैल्यू के अंदर लेके जाएगा। अगर आप 10 से पहले के नहीं लगाओगे तो इसको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, ये आपका स्टोर नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होंगे डेसिमल के, उनके लिए किससे डोनेट करना होगा, आपको के से डिनोट करना होगा। तो मैं के 10 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं स्पेस के 2 के साथ, मतलब 10 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 2 के साथ। के इस वजह से लगाया पीएलसी को बताने के लिए कि ये कांस्टेंट टर्म है। बताना क्यों पड़ा, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। जैसे ही के लगाऊंगा तो वो समझ जाएगा कि ये कांस्टेंट है, और इसको कांस्टेंट वाला जो स्टोरेज है बाय डिफॉल्ट उसके अंदर सेव कर देना है। अब के 10 मल्टीप्लाई बाय के 2 होगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो जो 20 आएगा उस 20 को स्टोर करना पड़ेगा, तो स्पेस स्टोर करने के लिए रहेगा डेटा रजिस्टर D4 ले लिया। अब यहां पे के
10 की वैल्यू K2 से मल्टीप्लाई होकर D4 में मिलेगी। ठीक है, अब इसको आपको मैं करके दिखाता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ भी रैंडम वैल्यू आपको कोई भी चाहिए प्रोग्राम के अंदर, आपको कुछ लेके आना है, जैसे पाई की वैल्यू बनानी रहती है, मान लीजिए आप किसी सर्कल पे काम कर रहे हो, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो पीएलसी के अंदर, आपको 3.14 वैल्यू को लेके आना है, तो आप कुछ करके ही लेके आओगे ना, रैंडमली कुछ कैलकुलेशन करके ले आओगे या फिर डायरेक्ट आप मूव करा सकते हो, तो उस तरीके से आपको कुछ वैल्यू चाहिए तो वो कॉन्स्टेंट से ऐसे हम बना सकते हैं। तो अभी देखिए, मैंने अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो यहाँ पे 0 आ रखा है, जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो K10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 20 हो गया, यहाँ पे रिजल्ट कितना मिल चुका है, 20 मिल चुका है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन आपका MUL से लगता है। अब मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये जो काउंटर की वैल्यू है या ये जो टाइमर की वैल्यू है, ये जो 10 T1 टाइमर की वैल्यू है, इसको मैं एक कांस्टेंट से डिवाइड करता हूं। तो मैं एक LD स्पेस X6 एक इनपुट लेता हूं और ये जो T1 टाइमर है, डिवीजन करता हूं मैं इसको किससे, इस कांस्टेंट से, किसी K2 से कांस्टेंट से इसको डिवाइड करता हूं मैं 20 को। तो आपको सबसे पहले डिवीजन करने के लिए क्या टाइप करना है, DIV, डिवीजन के लिए क्या टाइप करना है, DIV, उसके बाद स्पेस जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है, T1 की वैल्यू, मतलब K20 को मेरे को डिवाइड करना है, स्पेस किससे, 2 से करना चाहता हूं, ऐसी कोई रैंडम वैल्यू ले लिया K2, और जब T1 की वैल्यू K2 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, तो रिजल्ट मिलेगा कुछ, वो रिजल्ट कहां चाहिए, D8 के अंदर चाहिए, इसको एंटर कर दिया। डिवीजन के लिए DIV आपको लगाना है। अब इसको कंपाइल करके मैं आपको रन करके दिखाता हूं, कंपाइल किया, राइट टू PLC कर दिया, यस किया और यहाँ पे इसको रन मोड के अंदर कर दिया और ऑनलाइन मोड के अंदर ले लिया, ऑनलाइन मोड में लिया। अभी सबसे पहले इसको चलाते हैं T1 को, कुछ वैल्यू आएगी तभी तो इसको डिवाइड कर पाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आई। अब देखिए T1 की वैल्यू 20 हो रखी है, अभी अगर मैं T1 की वैल्यू, यहाँ पे भी 20 आपको दिखाई देगी, इस 20 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो मैं जैसे ही इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए ये टाइमर की वैल्यू को एक कांस्टेंट रैंडम वैल्यू से मैंने डिवाइड कर दिया और मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, 10 आ गया, 20 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 10 आएगा। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेशन, मैंने आपको बताया किसी पे भी लगा सकते हो। एडिशन के लिए आपको टाइप करना होता है ADD स्पेस जिस पे भी आप लगाना चाहते हो, स्पेस दूसरा और स्पेस डेटा रजिस्टर जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL और डिवाइड के लिए DIV। तो ये है आपके अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, जिनका जो उपयोग है वो हम बहुत ज़्यादा करते हैं जब हमें स्केलिंग वगैरह करनी होती है। अब आपका टास्क ये है कि आप एक टेबल बनाइए, आप कोई भी एक टेबल बनाइए, मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करके एक टेबल लिखिए, चाहे वो कोई भी टेबल लिखिए, 10 की लिखिए, 20 की लिखिए, 2 की लिखिए, 4 की लिखिए, 5 की लिखिए, एक टेबल पूरी आप बनाइए, एक बार ऐड करके बनाइए कि आपकी पूरी एक टेबल आपको मिले, 2, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, फिर एडिशन करके उसको बनाइए, 2 में 2, 2, 4, 6। तो आपका जो टास्क है अगला प्रोग्राम का अरिथमेटिक ऑपरेशन की प्रैक्टिस के लिए, आपको टेबल लिखनी है, 2 टेबल कोई भी लिखिए, एक एडिशन से लिखिए और एक मल्टीप्लिकेशन से लिखिए, तो आप किस चीज की और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा डेटा रजिस्टर के बारे में कि डेटा रजिस्टर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और ये जो दो प्रोग्राम दिए हैं इनको आपको बनाना है, PLS के प्रोग्राम का और PLF का जो प्रोग्राम है उसका मैं आपको सलूशन दूंगा कि कैसे आप उस प्रोग्राम को बना सकते हो, अगर आपने जो बनाया है आप उससे मैच कर सकते हो कि वो ठीक है या गलत है। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरा, हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल है मात्र 3,500 रुपये में, PLC HMI VFD, आप उसको ज्वाइन करके ऑनलाइन विद प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का क्या सीन है उसके अंदर कि आपको हम सॉफ्टवेयर दे देंगे, आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर देंगे सॉफ्टवेयर को, और आपको क्या करा जाएगा, प्रैक्टिस के लिए लॉजिक दिए जाएंगे, जैसे अभी दे रहा हूं तो और बहुत सारे लॉजिक लेंगे, आप वो लॉजिक बनाओगे अपने लैपटॉप में, अपने सॉफ्टवेयर में, जैसे मैं अभी सिमुलेटर पे बनाता हूं, आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें चेक कराओगे, कनेक्ट कर सकते हो एनी डेस्क के थ्रू या टीम व्यूवर के थ्रू ऑनलाइन हमारे साथ, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपको गाइड करेंगे, आपको ऐसे बनाना है, जो भी आपके डाउट है वो भी आपके सारे क्लियर करेंगे। प्रैक्टिस आप अपने हाथ से करोगे तो आप ज्यादा सीखोगे। तो आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।